हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फॉर्म जीएसटी डीआरसी 04 और फॉर्म जीएसटी डीआरसी 05 के संबंध में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म हैं जिसको हमें जानने की ज़रूरत है। और इससे पहले मैंने डीआरसी 03 के बारे में भी विस्तृत रूप से वीडियो बनाया था और अपलोड किया है, तो आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, साथ में आई बटन में भी उसको लिंक कर दूंगा, तो आप उसे भी देख लें, क्योंकि डीआरसी 03 समझने के बाद आपको डीआरसी 04 ठीक से समझ में आएगा। तो डीआरसी 04 भी अगर आप चाहें तो देख लें, बाकी मैं शॉर्ट में इसका ब्रीफ थोड़ा सा दे दूंगा कि डीआरसी 03 क्या है। तो आइए देखते हैं डीआरसी 04। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। तो आइए देखते हैं फॉर्म जीएसटी डीआरसी 04। तो ये है फॉर्म जीएसटी डीआरसी 04 का, लेकिन इसकी रूल्स देख लेते हैं कि इसको क्या डिफाइन किया है और इसका क्या मतलब है। तो हम लोग देखते हैं, वेयर बिफोर द सर्विस ऑफ नोटिस और स्टेटमेंट द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स मेक्स पेमेंट ऑफ द टैक्स एंड इंटरेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 73। तो इसमें इन्होंने बताया कि सेक्शन 73 के सब सेक्शन 5 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, उसके अंतर्गत जो नोटिस आने के पहले आपने जो भी एसर्टेन किया हो टैक्स का, पेमेंट ऑफ द टैक्स एंड इंटरेस्ट, तो जो भी पेमेंट ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट है उसे अगर आपने पे किया है, उसके संबंध में बात कर रहे हैं। तो ये 73 के सब सेक्शन 5 और एज द केस मे बी टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 74। तो जो सेक्शन 75 का सब सेक्शन 5 है उसमें आपका पेनल्टी और ऐड हो गया, पहले वाले में था टैक्स और इंटरेस्ट, इसमें आ गया टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। और वेयर एनी पर्सन मेक्स पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट ड्यू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट वेदर ऑन हिज ओन असर्टेनमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपने टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी असर्टेन किया है, निश्चित किया है, वो आप जब जमा कर रहे हैं उसके संबंध में, और एज कम्युनिकेटेड बाई द प्रॉपर ऑफिसर अंडर सब रूल 1A, या फिर जो प्रॉपर ऑफिसर है उसने आपको कम्युनिकेट किया हो रूल 1A के अंतर्गत, तो उसमें या तो आपने सर्टेन किया हो या डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर ने सर्टेन किया हो और आपको बताया हो कि इतना आपका टैक्स है, इतना आपका इंटरेस्ट है और इतनी आपकी पेनाल्टी है, वो आपको जमा करनी है। ही शैल इन्फॉर्म द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ सच पेमेंट इन फॉर्म जीएसटी डीआरसी 03। अब जो आपने पेमेंट जमा किया टैक्स इंटरेस्ट और पेनाल्टी का, उसकी सूचना आपको देनी है। ही शैल इन्फॉर्म द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ सच पेमेंट इन फॉर्म जीएसटी डीआरसी 03। तो जो आपने जमा किया उसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर ऑफिसर को देनी है, किसकी, उस पेमेंट की, और किस फॉर्म में देनी है, फॉर्म जीएसटी डीआरसी 03 में। तो फॉर्म जीएसटी डीआरसी 03 में आप उसकी सूचना देंगे कि मैंने इतना टैक्स, इतना इंटरेस्ट और इतना अमाउंट का पेनल्टी जमा कर दिया है। अब जब आप डीआरसी 03 के माध्यम से उसे जमा कर देंगे, उसके बाद आप निश्चिंत नहीं हो पाएंगे, फिर आपको क्या करना है, फिर एंड द प्रॉपर ऑफिसर शैल इश्यू एन एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्टिंग द पेमेंट मेड बाय द सेड पर्सन इन फॉर्म जीएसटी डीआरसी 04। अब जो टैक्स आपने जमा किया उसकी इंफॉर्मेशन
प्रॉपर ऑफिसर को आप जीएसटी डीआरसी 03 में देंगे, और डीआरसी 03 में जब आप दे देंगे तो उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको फॉर्म जीएसटी डीआरसी 04 में वो प्रॉपर ऑफिसर देगा। तो जमा कर देना और सूचना देना पर्याप्त नहीं है, उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट की कॉपी भी चेक करनी पड़ेगी कि मुझे जीएसटी डीआरसी 04 इशू हो गया है या नहीं हो गया है। अब हम देखते हैं डीआरसी 04 फॉर्म को। देखिए ये है फॉर्म जीएसटी डीआरसी 04 जो कि गवर्न हो गया है सी रूल 142(2) से। तो अभी हम लोग जो सेक्शन देख रहे थे वो देख रहे थे रूल 142 का 2, ठीक है। इसमें आपका रेफरेंस नंबर, डेट है, जीएसटी नंबर, नेम, एड्रेस, टैक्स पीरियड हो गया, एआरएन, फाइनेंशियल ईयर हो गया, डेट हो गया। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट मेड वॉलंटरली, जो भी टैक्स आपने वॉलंटरी जमा किया है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी जमा किया है उसकी एक्नॉलेजमेंट है। द पेमेंट मेड बाय यू वाइड एप्लीकेशन रेफर टू एवर इज हेयर बाई एक्नॉलेज टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट पेड एंड फॉर द रीजन स्टेटेड देयर इन। तो ये इंफॉर्मेशन सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन हो गया। तो ये आपको डीआरसी 04 की कॉपी मिलनी अनिवार्य है, ये आपको एक्नॉलेजमेंट लेना जरूरी है। अब इसके बाद आते हैं डीआरसी 05, क्योंकि डीआरसी 04 तो केवल एक्नॉलेजमेंट है, उसके बाद हमें डीआरसी 05 लेना उससे भी ज्यादा अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है आइए देखते हैं। रूल इसमें 142(3), तो 142 का 3 देखते हैं क्या कहता है। देखिए अब हम लोग आ गए 142 के रूल सब रूल 3 पे। वेयर द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स मेक्स पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट अंडर सब सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 73। इसका मतलब यह है कि सेक्शन 73 के सब सेक्शन 8 के अंतर्गत जो भी हमने टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट किया है उसकी बात कर रहा है। एज द केस में भी टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, यानी टैक्स इंटरेस्ट, और अब बात करेगा 74 में क्योंकि पेनल्टी का भी है प्रोविजन, तो एज द केस में भी टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अंडर सब सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 74। तो 73 का सब सेक्शन 8 हो गया और सेक्शन 74 का सब सेक्शन 8 हो गया। Within 30 days of the service of a notice under sub rule 1, क्या मतलब हुआ 30 दिन के अंदर, कब, जबकि नोटिस आपको सर्विस हो गई है उसके 30 दिन के अंदर आपको जमा करना है। और वेयर द पर्सन कंसर्न मेक्स पेमेंट ऑफ द अमाउंट रेफर्ड टू इन सब रूल सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 129 विदिन 14 डेज ऑफ डिटेंशन और सीजर ऑफ द गुड्स एंड कन्वेंस। अगर आपका सीजर हुआ है गुड्स का तो फिर आपको सेक्शन 129 के सब सेक्शन 1 के हिसाब से जमा करना है, और जिसके लिए मेक्स पेमेंट ऑफ द इन सेक्शन 1 सेक्शन 129 विद इन 14 डेज, यानी कि 14 दिन के अंदर। 73 और सेक्शन 74 के अंतर्गत आपको 30 दिन का टाइम मिल रहा है, लेकिन अगर आपकी नोटिस सेक्शन 129 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत है तो आपको टाइम मिल रहा है 14 दिन का। किस कंडीशन में, जब आपका गुड्स का डिटेंशन और सीजर हुआ हो, तो आपको 14 दिन के अंदर जमा करना है। एंड कन्विंस ही सेल इंटीमेट द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ सच पेमेंट इन फॉर्म जीएसटी डीआरसी 03। तो उसे भी डीआरसी 03 में प्रॉपर ऑफिसर को इंटीमेट करना है। एंड द प्रॉपर ऑफिसर सेल इश्यू एन ऑर्डर इन फॉर्म जीएसटी डीआरसी 05 कंक्लूडिंग द प्रोसीडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेट नोटिस। अब देखिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है डीआरसी 05। डीआरसी 03 में आपने प्रॉपर ऑफिसर को सूचना दे दी कि मैंने टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी समय से जमा कर दिया है, उसके बाद आपको डीआरसी 04 अधिकारी देगा कि आपका ये हमें प्राप्त हो गया है, आपको एक्नॉलेजमेंट दे देगा डीआरसी 04 में। अब डीआरसी 04 में एक्नॉलेजमेंट तो मिल गई, लेकिन हमारा ये मैटर कंक्लूड हुआ कि नहीं हुआ वो कैसे पता चलेगा। तो देन
एंड द प्रॉपर ऑफिसर शैल इश्यू एन ऑर्डर। इश्यू एन ऑर्डर इसका मतलब एक आदेश जारी करेगा, किस फॉर्म में, फॉर्म जीएसटी डीआरसी 05। तो डीआरसी 03 से आपने इंफॉर्मेशन उसको दे दी, डीआरसी 04 के माध्यम से उसने आपको, और डीआरसी 05 से आपको एक्नॉलेजमेंट डीआरसी 04 में दे दिया, डीआरसी 05 में उसने ऑर्डर किया, इश्यू एन ऑर्डर इन फॉर्म जीएसटी डीआरसी 05 कंक्लूडिंग द प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेट नोटिस। अब आपका काम पूरा हुआ कि जो सेट नोटिस था उसका पूरा पूरा काम यहां पे कंक्लूड हो गया, प्रोसीडिंग पूरी कंक्लूड हो गई। तो जब तक ये आदेश आपको प्राप्त नहीं होता तब तक आपकी प्रोसीडिंग पूरी नहीं हुई है, इसलिए डीआरसी 03 तक तो लोग कर लेते हैं, डीआरसी 03 के बाद ये नहीं देखते हैं कि डीआरसी 04 और डीआरसी 05 अधिकारी ने इशू किया या नहीं किया। बहुत जरूरी है कि हम उसको चेक करें कि अधिकारी ने डीआरसी 04 जारी किया कि नहीं किया और उसके बाद डीआरसी 05 जारी किया कि नहीं किया, क्योंकि डीआरसी 05 में आपको उस आदेश की प्राप्ति होगी और तभी आपका जो प्रोसीडिंग है वो पूरी की पूरी कंक्लूड होगी। तो इसलिए आपको फॉर्म डीआरसी 04 और डीआरसी 05 जरूर से जरूर चेक करने की जरूरत है। अब हम लोग फॉर्म देख लेते हैं डीआरसी 05। मैंने लगभग आपको पूरी चीजें क्लियर कर दी हैं। फॉर्म जीएसटी डीआरसी 05 ये है जो कि सी रूल 142(3) जो कि मैंने अभी आपको पूरा का पूरा क्लियर किया। इसमें नाम, जीएसटी नंबर, टैक्स पीरियड, एआरएन, फाइनेंशियल ईयर, डेट वगैरह है। अब ये बता देता हूं, इंटीमेशन ऑफ कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स यहां पर उसने क्लियर कर दिया। दिस हैज रेफरेंस टू द सो कॉल्ड नोटिस रेफर टू अबव एज यू हैव पेड द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड ऑर्डर ड्यूज मेंशन्ड इन द नोटिस अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन। यहां पर वो सेक्शन देगा किस सेक्शन के अंतर्गत वो आपका ऑर्डर पारित कर रहा है। The proceedings initiated while the said notice are hereby concluded. अब यहां पर आकर के आपका पूरा का पूरा कंक्लूड हो गया। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि डीआरसी 03 के बाद आपका काम खत्म नहीं हुआ, आपको डीआरसी 054 और डीआरसी 05 जरूर चेक करना चाहिए और उसके आदेश की कॉपी डीआरसी 05 के माध्यम से जरूर लेनी चाहिए। धन्यवाद।